हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नान खटाई। देखिए, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी मैदा, एक कटोरी शुगर पाउडर, आधा कटोरी घी, आधा कटोरी बेसन, लगभग में 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पर लेते हैं आधा कटोरी सूजी, ये भी है 2 बड़े चम्मच। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बड़ा सा कटोरी, इसके ऊपर हम लोग छन्नी रखेंगे। इसमें हम लोग मैदा डालेंगे और इसके बाद हम लोग डालेंगे सूजी और फिर इसमें डाल देते हैं हम लोग बेसन। ये सभी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच के हेल्प से हमें मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे छान लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। सूजी, बेसन और इसमें मैदा, तीनों को अच्छी तरह से हमने छान लिया है। इसी तरह से हमें छान लेना है। तो जब भी हम नान खटाई बनाएंगे उसके लिए मेजरमेंट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा से नान खटाई बनेगा। अब इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर लेते हैं एक बड़ा सा बाउल, इसमें हम लोग घी डालेंगे। घी डालने से जो नान खटाई का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया बनता है। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे शुगर पाउडर, इसे डालकर हमें अच्छी तरह से फेंटना है। हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है, 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटते जाएंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही लाइट कलर हो गया और क्रीमी टाइप का हो गया है। इसी तरह से हमें इसे फेंटना है। जब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो इस तरह से कटोरी में पानी लेंगे और इसमें हम डाल के थोड़ा सा देखेंगे, और देखिए अच्छी तरह से तैर रहा है। बस ये देखिए कि हो गया लगभग में। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन, सूजी और मैदा को हम लोग जो चाले थे इसको हम लोग डाल देते हैं इसी में, और डाल के इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से मिक्स करना है। इसमें हम लोग थोड़ी सी नमक डाल देंगे, इसे हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इसे डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये नान खटाई बनाने के लिए अच्छी तरह से रेडी हो गया डो। देखिए ये हाथ में अच्छी तरह से बन जा रहा है। तो इसी तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ढककर। ये हो गया है, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो चलिए कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम लोग नमक डाल दिए हैं गर्म होने के लिए, और कम से कम हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखना है गर्म होने के लिए। तो इसे ढक देते हैं। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक बड़ा सा प्लेट। आप कोई भी स्टील का ले सकते हैं या एल्युमिनियम का ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया है और इसमें हम लोग घी डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे भी ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से वाइट पेपर हम लोग लेते हैं, सर्कल कट कर लिए हैं, और इसको हम लोग इसमें अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं, और अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसका एक बॉल टाइप का बनाते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बनाना ना और ज़्यादा छोटा साइज, एकदम मीडियम साइज़ में हमें इसका बनाना है। इस तरह से हमें बॉल बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सभी बॉल बना लेना है। तो मैं इसी तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको बनाना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनता है नान खटाई। तो इसी तरह से हमें बॉल का शेप देना है। तो नान खटाई को हम लोग थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ कर हम लोग इस तरह से प्लेट में रखेंगे। तो देखिए मैंने सारे नान खटाई को इस तरह से रख दिया है। अब इसमें हम लोग एक एक ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। तो देखिए मेरे पास पिस्ता बादाम था, इसको हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं अच्छी तरह से। तो अब चलिए इसे हम लोग कढ़ाई में अच्छी तरह से बेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों,
अच्छी तरह से गर्म हो गया है, जो नमक है यहाँ पर गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग नान खटाई को डालेंगे बेक होने के लिए। तो इसे हम ढक के रख देते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। तो देखिए अब 25 मिनट हो गया अच्छी तरह से। हम आइए चेक करते हैं। देखिए हमारा जो नान खटाई है अच्छी तरह से रेडी हो गया है और आपको हम दिखा रहे हैं सामने से। ये देखिए बहुत ही ब्राउन कलर का हो गया है, नीचे से भी अच्छी तरह से पक गया है और ऊपर से भी बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है, ये बहुत ही खस्ता बना हुआ है नान खटाई। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।